हेलो बेटा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का ई एफ जी एच पार्ट। मैंने डी पार्ट आपको दिया था, बाकी के पार्ट्स रह गए थे, लेकिन मैंने बोला था डी पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है? तो होप कि आपने कर लिया होगा। अब देखो, एफ पार्ट की बात कर रही हूँ। एफ पार्ट में पहले तो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, ये वाली है ना। तो यहाँ पर बेटा दो डिवाइड आ गए, है ना? तो इन डिवाइड को ना मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ध्यान रख। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकती हूँ। ये देखो, मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया डिवाइड को, लेकिन जो उसके अगले वाला नंबर है ना, वो उल्ट जाएगा। जैसे ये हो जाएगा इतना, अच्छा अगर अगले वाले को भी किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो -5। समझ लगा? जब मैं इसको चेंज करूंगी तो ये वाला नंबर जो है ना, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 11 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। ऐसे ही यहाँ पर 33 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर बाद में माइनस होता है ना। दो ही तो साइन है यहाँ पर, मल्टीप्लाई का और माइनस का। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कौन सा आता है सबसे पहले? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में वाले कौन से नंबर हैं? ये वाले नंबर्स। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो ऊपर और नीचे ना हम नंबर्स को काट सकते हैं, ऊपर और नीचे नंबर्स को कट कर सकते हैं। तो कैसे? अब सेम नंबर काट सकते हैं, ऊपर नीचे अगर कोई नंबर सेम है तो वो हम कट कर सकते हैं। जैसे 11 ऊपर भी था और नीचे भी था तो कट कर दिया। एक और कंडीशन होती है कि ऊपर और नीचे सेम टेबल हो ना, सेम टेबल पर कोई नंबर आ रहा है, जैसे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम टेबल पर आ रहा है, आता है किस पर? 3 पर। 3 1 जा 3, 3 11 जा 33। तो 3 1 जा 3, 3 11 जा 33। ध्यान से देखना बेटा, ये न्यू है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा। तो यहाँ पर 11 बचा, ठीक है? अब कौन कौन से नंबर बचे वो हम देखते हैं। 2/3 बचा, जो कट गया उसको तो हम देखेंगे नहीं। कटा कौन कौन सा? ये भी कट गया है, ये भी कट गया है। यहाँ पर 1 बचा, है ना? यहाँ पर 11, 1 को चाहे लिखो ना लिखो एक बराबर ही है। तो 11 यहाँ पर बचा, नीचे 1 ही है, माइनस हो गया 5। माइनस क्या हो गया? 5। 11 -5। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है ना, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 11 है ना ऊपर वाले नंबर, तो 2 11 सा 22। नीचे है 3, नीचे जैसे यहाँ पर 1 है, 3 1 जा 3, तो कौन सा बचा? 5 ही बचा। अब देखो इसको कैसे करना है, हमने हमने क्या करना है, नीचे जो है ना वो सेम लेके आना है। नीचे हमने नंबर सेम लेके आना है, जैसे यहाँ पर भी हमने 3 लेके आना है। तो 3 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा भाई, जब मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, नीचे 1 है ना, तो ऊपर भी मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। जिस नंबर से नीचे किया उसी नंबर से ऊपर। नीचे क्यों किया? क्योंकि नीचे मुझे इसके इक्वल नंबर चाहिए था, तो नीचे 1 था तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तब भी तो 3 आएगा ना। तो इसको बोलते हैं इसका एलसीएम इक्वल करना, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। तो ये आ गया 15/3, है ना? 5 3 15। अभी देखो नीचे सेम है तो आ गया कॉमन, ऊपर 22 और -15, क्योंकि नीचे सेम थे इसलिए ऊपर वाले भी हमने ऐसे लिख दिए। हम सीधा इसको माइनस नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है कि 22 को 15 से माइनस कर दे सीधा। अब 22 को 15 से माइनस किया तो कितना होता है? 7/3, दैट इज योर आंसर। क्या आंसर है अभी? 7/3। सो ये था आपका, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, पॉज करके ये
ये था आपका एफ पार्ट, और मुझे लगता है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने गलत डाल दिया ये भी स्टेटमेंट, लेकिन आपने जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। अब जी पार्ट, जी पार्ट में देखो जरा ये आया ठीक क्वेश्चन, बॉर्ड मास के देखो ऊपर वाले, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है, जो जो करती हो वैसे ही आपने कर लेना है। तो डिवाइड सबसे पहले होगा ना बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग, जैसे बॉर्ड मास में पहले देख लेते हैं कौन कौन से बॉर्ड मास, कौन कौन से साइन आ रहे हैं, जैसे प्लस का आ रहा है एडिशन है ना, डिवाइड का आ रहा है ये रहा डी, मल्टीप्लाई का आ रहा है ये रहा मल्टीप्लाई, फिर माइनस का आ रहा है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे भी, सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, तो ये रहे डिवाइड वाले नंबर्स। पर 12 का टेबल पढ़ना है 48 आ जाए, तो 12 का टेबल पढ़ा 48 आ जाए 4 पर ना, 12 4 सा इनटू 3 माइनस 9। तो देखो पहले होगा मल्टीप्लाई, प्लस है माइनस है, तो पहले तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई 4 3 सा 12 माइनस 19 सॉरी 9। अब प्लस और माइनस में सबसे पहले प्लस होंगे, ये दोनों प्लस वाले हैं, तो 5 और 2 7, 6 और 1 7 माइनस 9, तो 68 इज योर आंसर। आंसर क्या आया 68, ये था जी पार्ट। अब एच पार्ट की बात करें तो वही डिवाइड सबसे पहले होगा 11, 11 8 जा पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है 11 8 जा 88 कर दिया डिवाइड हमने। अब मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, फिर प्लस, प्लस वाले कौन कौन से हैं, ये हैं दोनों प्लस वाले, तो 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 20 माइनस 5, कितना आंसर आया अभी 15। सो दीज आर द क्वेश्चन जो आपने आज करनी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।